बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शहीन चौधरी, आप देख रहे हैं शहीन टीवी। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही आसान और टेस्टी, स्पाइसी और बहुत जल्द तैयार होने वाली चीज लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह, मेरे साथ रहिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जी दोस्तों, हमने ये मैदा ले लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से हमने साफ करके छान के रख लिया है मैदा, और ये हमने बेसन ले लिया है, इसको भी हमने छान लिया था, और ये तीन अदद हमने अंडे लिए हैं, और ये हमने एक टमाटर को बारीक काट लिया है और एक प्याज को भी बारीक काट लिया है। तो तकरीबन 7-8 के करीब मिर्चें थी, हरी सब्ज़ मिर्चें, उनको भी हमने बारीक काट लिया है। ये हरा धनिया हमने बारीक काट लिया था, और ये कूटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है जी, ये खुश्क धनिया है, और ये ज़ीरा है। हसबे ज़ायका नमक डालेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टोटल 6 प्याली मैदा था, हम इसका हाफ जो है ना वो लेंगे। बिस्मिल्लाह जी दोस्तों, तकरीबन 3 प्याली मैदा हमने ले लिया है, और 1 प्याली जो है बेसन है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर जाएंगे इसके अंदर, और बारीक कटी हुई प्याज। बिल्कुल आसान है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। हरी मिर्च, हरी मिर्च हम सब डालेंगे इसके अंदर। हरी मिर्च का अपना ही टेस्ट होता है, ठीक है जी। ये मसाला और मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम अंडे इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हसबे ज़ायका नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। थोड़ा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा और पानी शामिल ऐड करेंगे।
थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। पानी आपने एक ही बार नहीं डाल देना, अपने चेक करते जाना है, अपने मसाले के हिसाब से जैसे आपने इसको तैयार करना है उस हिसाब से रखना है। ये ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। अभी आपको दिखाते हैं, जब आसमान पर बादल हों, ठीक है, बारिश का मौसम बना हो, तो ये चीज़ें बहुत मज़ा करती हैं। और ये घर में ना बने ये कहाँ लिखा है, ठीक है जी। इस तरह से आपने ना लेप तैयार कर लेना है, इस तरह से। अभी ये हमारा देखे माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद हम फिर बताते हैं। जी दोस्तों, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा तवा भी गर्म है। अभी हल्का सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको डालते जाना है। ठीक हो गया जी। फ्लेम आपने दरमियाना रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं होना। हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे इनकी साइडों के। आप ऑयल लगाएं, घी लगाएं, आपकी मर्ज़ी, हम घी लगा रहे हैं। बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं। छुरी लेंगे, बिस्मिल्लाह, हल्का हल्का इसके किनारे को ना ऐसे चेक करेंगे। देखें जी माशाल्लाह, चिमटे भी नहीं हैं। बहुत मज़े के बनेंगे ये इंशाल्लाह। अब हम इसकी सैड जो है चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फिर घी लगाएंगे हम। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत इजी और आसानी से बन जाते हैं ये ना। फिर से साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कर रहा है। बहुत इजी और आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े के बनते हैं। जिन दोस्तों से ऐसे पराठे नहीं बनते, रोटी नहीं तैयार होती, उनके लिए ये बेहतरीन टिप्स है कि बिल्कुल इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। फिर थोड़ा घी लगाएंगे।
देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। छुरी की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा यूं करना है। ठीक है जी, देखें माशाल्लाह बहुत इजी बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं और बहुत मज़े के। आप इस तरह से बना कर बच्चे के लंच बॉक्स में भी डालेंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, पेट भर के खाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी तैयार होते हैं। देखें इंशाल्लाह टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। एक दूसरे की सपोर्ट किया करें, अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया करें। अक्सर दोस्त कमेंट में कहते हैं कि जी हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दोस्त बनाने के बाद छोड़ जाते हैं, यानी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। जो मुखलस होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो इंशाल्लाह जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचाए। जी दोस्तों देखें माशाल्लाह कितना मज़े से हमारे ये पराठा रोल तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताया करें, हौसला अफज़ाई किया करें। ठीक है, जो दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।